to the ground. You're dragging me, it's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain, it sets me free. It's wrong, I can't be right. I love the bad below you, said myself that this is the last time. It's wrong, I can't be right. Slipping off in the moonlight when I knew the truth. I had myself for you. Hello friends, welcome back to my channel Modification with Manoj. तो आज के वीडियो में मैं अपनी होंडा एक्टिवा में हजार्ड स्विच इंस्टॉलेशन करने वाला हूँ। तो बहुत सिंपल है ये स्विच इंस्टॉलेशन करने के लिए, और इसमें अपने को कुछ चेंजेस करने पड़ता है इंस्टॉलेशन करने के लिए। तो वो आप मेरी होंडा शाइन वाली वीडियो आप देख लेना, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं अपने को एक्टिवा में, या डीओ हो या कोई शाइन हो या रेजेडर हो, एप्रिल हो, उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो वो चेंजेस क्या है वो आप वो वीडियो में देख लेना, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर बताऊंगा तो वीडियो फिर से लंबा हो जाएगा। वो भी लंबा हुआ गया था तो ये भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये इंस्टॉलेशन करना बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। इसमें तीन वायर होता है, एक वायर जाएगा इंडिकेटर फ्लैशर के लोड पॉइंट पे, एक वायर जाएगा राइट इंडिकेटर पॉजिटिव में, और एक वायर जाएगा लेफ्ट इंडिकेटर पॉजिटिव में। कोई भी वायर कहीं भी लगा दो चलेगा, कलर बोर्ड का कोई इंपॉर्टेंस इसमें कुछ नहीं है। आप कोई भी वायर कहीं भी लगा दो, क्योंकि स्विच जब आप ऑन करने के बाद ये तीनों एक साथ जॉइंट हो जाते हैं, ऑफ करने के बाद तीनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो बस यही सिंपल सा तरीका है। और अपने को एक्टिवा में या मतलब कोई भी स्कूटर में अगर इसको इंस्टॉल करना हो तो अपने को क्या डैशबोर्ड पे थोड़ा सा कटिंग करना पड़ेगा। तो इसको कटिंग करने का तरीका मैं आपको एक अच्छा सा एक बता दूंगा, मतलब कहाँ पे अपन इसको लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा इजी रहेगा अपने लिए, वायरिंग करने के लिए भी ज़्यादा ईजी रहेगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा वायर ऐड करने की भी अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा एकदम ईजी काम हो जाएगा अपना। ठीक है, तो चलिए फटाफट अभी इसको अपन डायरेक्ट अभी इंस्टॉलेशन करते हैं इसको एक्टिवा में। तो ये हजार्ड स्विच को इस तरह से यहाँ पे डाल दिया है बाजू में, ये इंडिकेटर के बटन के बाजू में इधर ही डाल दिया है। तो यहाँ पे डाला क्या बोलना, क्या बारिश का पानी ऐसा आएगा तो स्लिप हो जाएगा, तो इसके अंदर नहीं जाएगा तो खराब हो जाएगा। नहीं तो आप ये लोकेशन पे भी डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल देंगे तो यहाँ से वायरिंग डायरेक्ट इधर आप कर सकते हैं, तो एक्स्ट्रा वायर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी यहाँ पर डाल दिया है, हाँ अभी इसके जो वायर्स है, जो ये वाले वायर्स है, अभी अंदर से अपन क्या करेंगे ना, इसके तीन वायर के साथ ही सीधा कनेक्ट कर देंगे। तो इसके इंडिकेटर के जो बीच वाला जो वायर है वो लोड पॉइंट होता है, यहाँ पे राइट हो जाता है और यहाँ पे लेफ्ट आ जाता है। तो सारे वायर्स अपने को है ना यहीं पे मिल जाएगा, तो एक्स्ट्रा वायर कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो अभी ये वाला काम कर लेते हैं। तो ये बटन का पूरा वायरिंग कर दिया इधर। ठीक है, वायरिंग में आपको नहीं पता चलता क्योंकि वो पूरा एकदम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तो कुछ नहीं, ईजी है, इसके तीन वायर होते हैं, उसके तीन वायर आपको क्या करना है, ये इसके इंडिकेटर के तीन वायर उसको जोड़ दो, क्योंकि बीच वाला जो है वो फ्लैशर का लोड पॉइंट आता है, यहाँ पे राइट इंडिकेटर, यहाँ पे लेफ्ट इंडिकेटर का आया हुआ है, सब तीन वायर यहीं पे जॉइंट हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा वायर आपको लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। और इसके अंदर जो KTM फ्लैशर है वो मैंने निकाल दिया, क्योंकि वो अगर इसके ज़्यादा ना थोड़ा सा मिक्स मैच हो रहा था, इसलिए मैंने KTM फ्लैशर निकाल दिया। अब इसको ऑन कर देते, तो ये ऑन हो गया, आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ, पीछे भी स्टार्ट हो गया, आगे भी दिखा देता हूँ। ये वर्किंग हो गया, तो ये स्मार्ट हजार्ड जैसा काम नहीं करेगा, लेकिन उसको अपन आगे मैं एक दूसरा एक सर्किट बनाने वाला हूँ, तो वो स्मार्ट हजार्ड वाला हो जाएगा, अपन उसका आगे दूसरा मॉडिफिकेशन करेंगे। अभी फिलहाल तो ये एकदम सिंपल वाला ये हो गया ऐसा। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और कुछ अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन करना। और ये स्विच जो है ये मिंडा कंपनी का है, अगर आपको नहीं मिलता तो मुझे बता देना, तो मैं आपको आपको ये इसका डिलीवरी आपको मैं करवा दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड राइड सेफ़।